होगा पहले। ए, डेढ़ गली के मामूली गुंडे ये मत भूल, अपुन अभी शरीफ हुआ है, नहीं तो पहले अपुन भी गुंडा था। अबे तू गुंडा था, अपुन गुंडा है, और कितना बड़ा गुंडा है, इस बहन के पकोड़े ने बार-बार बताया नहीं तेरे को। जा मुंबई जाकर मालूम कर, उधर जितनी लोकल ट्रेन नहीं चलती ना, उससे ज्यादा अपन पे केसेस चल रहे है। और एक बात बतावे, मोबाइल उसका, सिम अपुन का, तू बीच में मिस कॉल देने वाला कौन? अबे भैर उसकी, प्यार अपुन का, तू बीच में टांग लगाने वाला कौन? अरे अपुन भी उसका भाई है, मजनू भाई। अरे ये सारे मजनू भाई पत्थर खाने वाले काम करते हैं, खुद को तो लेना मिलती नहीं, और जिसको मिल रही है उसमें भी फिगरबाजी। आज तक जो अपन के मन में आया अपन ने हासिल किया, फिर तेरी ये बहन तो अपन के दिल में आई है। मंगनी होए ना होए, शादी होगी, और वो भी अपन के साथ। बात खलास। अरे देख क्या रहे हो, उठाकर बाहर फेंको शरीफ शाने को। बोला था शरीफ नहीं होने को, झेलो अभी झेलो। सौ छह हड्डियों को 2006 तरीके से तोड़ने का एक्सपीरियंस है अपन का। भाई मुंह बोला हो या सगा, अपन के प्यार के बीच आया तो बीच से ही चीर डालेगा। शरीफ लोगों के सरों पर बहुत कबूतर बैठा है ना तूने। लेकिन अपन वैसा शरीफ नहीं है, उन पे जो हाथ डालता है अपन उसकी फाड़ डालता है। तुम लोगों के सरों पर क्या बिठाऊंगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या क्या बिठाएगा?
कंट्रोल मजनू, अब ये तुम्हारा उदय बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। तूने बिल्कुल सही कहा था, शराफत एक बुदबुदा है, कोई कीमत नहीं उसकी दुनिया में, कुछ नहीं रखा उसमें। क्या हुआ भाई? बहुत दिन के बाद एक्साइट हुआ ना, कैच आ गया। हाँ। दुनिया में दो ही चीजों की कीमत है, एक जमीनों की, दूसरी कमीनों की। गोली नहीं, बोली से काम चला लूंगा ये सोचकर बरसों पहले जिन बंदूकों को मैंने दफनाया था उन्हें कब्र से बाहर निकालो। मेरे को मालूम था जरूरत पड़ेगी। अबे ओ। हाँ भाई। हथियार निकाले क्या? गोलियां मिल गई भाई, बंदूकें ढूंढ रहा हूँ। चल चल जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। अरे कल का लौंडा हमारे सर पे कौवे बिठा गया, उन्हीं कौवे को उसके श्राद्ध में उसके पिंड पर बिठाएंगे, उसे मुक्ति दिलाएंगे। ये हो ना बात। ए, बंदूकें मिली क्या? हाँ भाई मिल गई, कोने में मिसाइलें भी पड़ी है, ले लूँ क्या? टैंक भी ले ले। अज्जू को मारने जा रहे हैं, इसराइल पे हमला करने नहीं जा रहे। साला अपुन का फेवरेट गॉगल भी ले गया। उदय, मजनू, अरे क्या रे, तुम लोगों ने बताया नहीं कि तुम लोग अज्जू भाई के रिश्तेदार हो? अरे बादशाह खान अज्जू भाई के सालों से हफ्ता लेगा क्या? ये लो। ए मूछ वाले बीन बैग, अज्जू से अभी हमारा कोई वास्ता नहीं, रिश्ता तोड़ दिया हमने। अरे, अरे रिश्ता तुमने तोड़ा है ना, उसने तो नहीं तोड़ा। वो रिश्ता तोड़े तो बात बने, और वो तो सिर्फ हड्डियां तोड़ता है, हड्डियां। हुकुम का इक्का और अज्जू भाई का मुक्का, जहां पड़ा गेम खत्म। पंगा मत लो, पंगा मत लो, जाके उसके पैर में पड़ के प्रॉपर माफी मांगो। पैर का एड्रेस याद है ना? ये नहीं है, ये है। और जब तक वो माफ न करे उसके पैर छोड़ना मत। उदय उदय उदय, तू तो समझदार है, तेरे को है, तू तो जानता है ना, अगर उसने माफ नहीं किया तो चीर के उदय उदय अलग, शेट्टी शेट्टी अलग कर देगा। अरे कहां गए सब लोग डर के मारे? तेरे पीछे। मारो को इन पागलों को, ये दोनों एटीएम कहीं मर मर आ गए ना तो अपना अकाउंट बंद हो जाएगा। जाए करने की उम्र में लड़ाई करने निकले कमीने। चलो चलो बेटी। तूने बुलाया ना? कहाँ जा रहे हैं आप लोग मरने? मरने? लो अभी से सोच लिया, हम ही मरेंगे। हाँ अज्जू ने मार दिया तो मर गए, और अगर आपने अज्जू को मार दिया तो मर्डर केस में या तो फांसी होगी या तो कम से कम 14 साल की सजा। हाँ 20 उम्र में 14 साल की सजा आपके लिए तो फांसी है। कभी ये सोचा है आपने कि आपकी मौत के बाद हमारा क्या होगा? क्या हो गया आप लोगों को? हाँ इतने शरीफ समझदार होकर उस टुच्चे से गुंडे अज्जू से लड़ने जा रहे हैं? जब बात एक शरीफ आदमी की इज्जत की आती है ना तो उससे बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। अरे गाड़ी में जाकर बैठो। तू क्या? जल्दी बैठो गाड़ी में। अरे रोको मोइन, बहन के भाइयों को। हाँ जाइए जाइए, हमारी बेटी का जो होगा सो होगा। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आपके बाद आपकी बहन का क्या होगा? उदय जी, आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन आपकी बहन के पास क्या है आपके सिवा? अरे अपने हाथ पैर चलाने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और उस अज्जू के दिल पर चोट पहुंचाइए। अरे जो गुड़ से मर सकता है उसको जहर देने की क्या जरूरत है? तेरा शादी किसी और के साथ तय कर दिया, ठोक डालेगा दोनों को, प्रिटेंशन ही खलास। हाँ ठोक डालो ताकि उनमें और तुम में कोई फर्क ही ना रहे। तो जहाँ रिश्ता तय किया वहाँ शादी कर लेगी तू? उससे पहले तो मैं जहर खा लूंगी। बेटा देखो भाई, मेरे हिसाब से तो एक ही रास्ता बचा है, भाग के शादी कर लो। नहीं अंकल, मैं अपने भाइयों की बेइज्जती नहीं कर सकती। शादी करूंगी तो सिर्फ उनकी मर्जी से। अरे बेटे वो मर भी जाएंगे लेकिन अपनी खुशी से कभी शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे, समझो। टेंशन मत ले, तेरा शादी अपुन से होएगा या फिर किसी से नहीं। कैसे होगी? तुम्हारी वजह से शादी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए भैया कोई वांटेड भाई को इनवाइट करने गए हैं। वांटेड भाई? क्या बाप, वांटेड भाई का नाम सुनके 440 वोल्ट का झटका काहे को लगा? 440 वोल्ट का झटका तो बेटा जब मैंने पहली बार RDX का नाम सुना था ना तब लगा। वांटेड का नाम सुनके तो पूरा बिजली का खंभा।
तू जानता नहीं वांटेड बाय कौन है? वांटेड बाय मजनू भाई, आपको कैसे पता चला कि हम आए हैं? भाई ये हमारा आइलैंड है, कोई अमेरिका नहीं कि कोई भी बिना इजाजत वहां घुस जाए। और दूसरी बात, तुम दोनों अब भी वही खुशबू वाला परफ्यूम इस्तेमाल करते हो जो भिंडी बाजार में 100 के 3 मिलते हैं। हमारे जैसे लोग निशाना लगाते हैं तो गलती से एक आध लगता है, और इनका निशाना सर्कल के बीचों बीच। हार हमें पसंद नहीं है। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? नहीं, कार्ड देना था शादी का। शादी? हाँ, हमारी नहीं वांटेड भाई। हाँ, यही तो हम भी सोचे कि इतने पुराने खंडरों को खरीदार कहाँ से मिल गया। मजाक था भाई, मजाक। मजनू भाई, इस गड्ढे के बारे में तो पूछो। कॉमन सेंस मजनू, कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। सुन लिया? हनी, छोड़ा मुझे। अब क्या किया इस लड़के ने? हनी, बेटे, फिर तुम? कमबख्त, मैंने कहा था इसे ड्रग से दूर रखो। तो हनी बेटे, अरे ड्रग नहीं लूं तो क्या करूं? अपने बेटे की एक ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। ये हनी बाबा आपसे इतने नाराज क्यों हैं? ऐसी कौन सी ख्वाहिश है उनकी जो आपने पूरी नहीं की? अरे उसकी हर ख्वाहिश पर तो हम अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन अब की बार जो उसने मांगा है उसे ढूंढ ढूंढ के हमारी आंखें थक गईं, लेकिन मिली नहीं। कोई नया ड्रग है? ड्रग नहीं, उसकी मोहब्बत, उसका पागलपन। जब से उस लड़की को देखा है, पागलों की तरह उसी की तस्वीरें बनाता रहता है। ये हनी पेंटर है? हाँ, क्यों? अच्छा है, गुड। अपन भी पेंटर इसलिए जानकर खुशी हुई। सर, हनी बाबा ने अपने हाथ की नस काट ली। हाँ? डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। हनी, हनी माय सन, हनी बेटे, ये क्या किया तुमने? तुम हमारी दुनिया हो बेटे, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और ये मेरी दुनिया है डैड, ये मेरी दुनिया है। जो लड़की सिर्फ तुम्हारी तस्वीरों में आई है, उसे हम तस्वीर से निकाल के तुम्हारी तकदीर बना देंगे बेटे। उसे क्या, उसके पूरे खानदान, उसके पूरे शहर को उठा लाएंगे हम। तुम्हारी शादी उसी से होगी बेटे, और तुम्हारे खून के एक एक कतरे को हम उसकी मांग का सिंदूर बनाएंगे। गए थे कील ठोकने, पड़िया सर पर हथौड़ा। एक तरफ वो गुंडा अज्जू और दूसरी तरफ
वांटेड का चर्सी लौंडा हनी। कुछ भी हो, रंजना की शादी इस गंजाड़ू से नहीं होने देंगे। ऊपर वाले ने सारे लफड़े तुम्हारे खानदान के शादी में डाल दिए। मगर मेरी क्या गलती है? खानदान के शादी का कोटा बाप ने पूरा कर दिया। बच्चा सेहरा जेब में लेके घूम रहा है। बहन की शादी भी रुकती नजर आ रही है। जाते ही शादी कर देते हैं और फिर फटाफट विदाई, फेरे बाद में होते रहेंगे। और सुनो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हम कसम खाते हैं किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, चलो बैठो बैठो। मजनू।